आज वेलकम है आप लोग को नीरज मोबी हब के यूट्यूब चैनल पे। तो सो का मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ लूथर द फॉलन सन, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है। और इस मूवी को आज ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब कर प्रीमियर किया गया है, जो कि मैंने कुछ देर पहले देखकर फिनिश किया हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। कहानी फॉलो करती है लूथर के कैरेक्टर के एरन, जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसके ऊपर फ्रॉड और घुसखोरी का आरोपी साबित हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस मूवी का जॉनर है मिस्ट्री थ्रिलर। इस मूवी का मैं 4 पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात किया जाए तो इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से और कैमरा लोकेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने वाला है इस मूवी में। और एक्टर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही खतरनाक लेवल का है, खास करके लूथर का। और साथ ही साथ इस मूवी का विलेन से बहुत ही ज़्यादा आप प्रभावित होगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टिंग आपको महसूस होने वाला है और दोनों करेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। और स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। 2 घंटा 10 मिनट कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सीन भी आपको बोरिंग नहीं लेगा। अगर एक भी सीन बोरिंग लगता है तो आप कमेंट में मेरा नंबर लेकर गाली भी दे सकते हो। स्टोरी भी मुझे पसंद आया, फुली इंगेजिंग के साथ आपको इंटरटेनमेंट कराता है ये स्टोरी। अगर इस मूवी को 1-1 में रिव्यू करूँ आपके लिए तो इस मूवी का मैं ऑसम और नाइस लगी है मेरे को। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। अगर आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हो तो हाईली रिकमेंड करता हूँ, एक बार इस मूवी को एंजॉय बिल्कुल कीजिएगा। आपको फुल एंटरटेनमेंट के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू वॉचिंग।